प्रिथला में 3 मई को होने वाले राष्ट्रव्यापी धार्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। इसको लेकर फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव और पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने आयोजन स्थल का दौरा कर बारीकी से हर चीज का जायजा लिया। इस मौके पर बल्लभगढ़ के SDM व अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। सब पहुंचे हैं पनेड़ा गांव में, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला, कौन कौन नेता यहां पर पहुंच रहे हैं? देखो, कल यहां पे बाबा खड़ेश्वरी ने 12 साल का लगातार तप किया खड़े होके, तो उसी के उपलक्ष्य में भंडारा, संत समाज हमारा भंडारा कर रहे हैं, तो CM साहब आएंगे, हमारे लगभग सभी विधायक और MP साहब के आने की भी उम्मीद है, तो उसी का निरीक्षण करने के लिए साथ जिला पुलिस आयुक्त के साथ यही विजिट करने आए हैं। तो SDM साहब है, ADC साहब है, बाकी हमारी टीम है। और भी CM कोई आ रहे हैं किसी और? नहीं, UP के CM साहब का सुनने में आया था, पर अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, तो उम्मीद है कि शायद वो नहीं आ रहे हैं। हमारे CM साहब अपने हरियाणा के CM साहब आ रहे हैं, और उनके साथ तमाम जो भी हमारे विधायक नैनपाल रावत जी हैं, मंत्री है, तो उनके आने की उम्मीद है, निरीक्षण करने आए हैं कि भाई ताकि कल का प्रोग्राम सुचारू रूप से चले। व्यवस्था कैसी है? नहीं, बहुत अच्छी है, मतलब अभी तो पूरा गांव अतोत्साहित है, उत्साहित है, पनेरा खुद के आप भी देख रहे हो, सभी गांव वाले मिल के काम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से गांव का फंक्शन है और सामाजिक फंक्शन। सुरक्षा दृष्टि की बात करें, सुरक्षा दृष्टि की तरफ से किस तरीके से देखा गया? नहीं, वो पुलिस के साथ सिक्योरिटी की हमारी टीम आई है, तो उनके साथ मिल के कि भाई चौपर की लैंडिंग होनी है तो कहाँ होनी है, भाई रोड आएंगे तो कैसे आएंगे, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, लोगों को किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो, वही आज की विजिट का उद्देश्य है। अभी तक का क्या प्रोग्राम है, कितने बजे योगी जी लैंड करेंगे और किस किस तरह से प्रोग्राम रहने वाला है? नहीं, अभी योगी जी तो नहीं आ रहे, अपने हरियाणा के CM साहब आएंगे, तो लगभग 12 से 1:30 बजे की विंडो है, तो अभी टूर प्रोग्राम आएंगे, जैसे कंफर्म होगा आप लोगों को बता देंगे। सिर्फ पहुँचे हैं आज गांव पनेड़ा में, क्या मतलब? बस कल पनेड़ा खुद में यहाँ पे एक बड़ा विशाल भंडारा है, तो VIP कई आने की उम्मीद है, तो उसी सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पे विजिट किया है, तो उसमें जो स्टेज है, जो पब्लिक की सीटिंग है और जो पब्लिक पार्किंग है, VIP पार्किंग है, वो सब के बारे में देखा जा रहा है। कौन कौन लोग पहुँचे? चलो, अभी तो प्रोग्राम तो कईयों के पहुंचने का है, तो लेकिन जो भी पहुंचेंगे वो तो पता लग जाएगा, लेकिन अभी तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे पक्के इंतजाम है, क्योंकि अलग अलग से जैसे काफ़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आने के लिए। आयोजक तो बहुत सारी पब्लिक के बारे में बता रहे हैं, वो तो आयोजकों से बात करो, लेकिन मतलब जितनी भी पब्लिक आएगी वो सबको कैटर करने के लिए यहाँ प्रॉपर पब्लिक पार्किंग वगैरह बना दी गई है, और VIP पार्किंग अलग कर दी गई है, तो सारा अभी कुछ अभी प्रोग्राम के बारे में कंफर्म किसी का नहीं है, लेकिन कई VIPs के पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले 12 साल से बाबा अवधूतनाथ गांव पनेड़ा खुर्द में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, इसी कारण से यहां पर एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन 3 मई को किया जाना है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आना कन्फर्म है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस आयोजन में पहुंच सकते हैं। इसी को लेकर आज जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव और पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने पूरी टीम के साथ आयोजन स्थल का बारीकी से जायजा लिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जिले के मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का आना तय नहीं हुआ है। आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिर भी व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए वे मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर टीमों का गठन किया गया है।